वर्षा सतीश कहाँ है बेटा? सुबह से दिखाई नहीं दिया। पता नहीं आई, मेरे जगने से पहले ही वो कहीं चला गया। कहाँ जा सकता है इतनी सुबह? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे फोन भी किया तो उसने कहा कुछ अर्जेंट काम है और इतना बोल के कट कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है उसके घर से बाहर जाने की वजह कुछ और ही है। पर क्या वजह हो सकती है वर्षा? आई, कल उस घर में जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद वो बहुत परेशान था। रात भर ठीक से सोया भी नहीं है, एकदम चुपचाप और शांत सा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ बोलना है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। जहाँ तक सतीश को मैं जानता हूँ, उसका इस सदमे से निकलना बहुत मुश्किल है। बोलने का स्वभाव तो उसका है नहीं, मन ही मन घुटता रहेगा, लेकिन वो उसका दुख हमारे साथ शेयर नहीं करेगा। कल अर्चना ने जो भी किया बहुत गलत किया। अरे क्या नहीं किया धर्मेश और सतीश ने उसके लिए, उसे नौकरी दिलवाई, यहाँ तक कि आगे बढ़ के उसके लिए उसका रिश्ता तय करवाया जयवंत के साथ में, और ये सिला दिया उसने उसके। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि अर्चना इस तरह से बिहेव कर सकती है। वो तो ऐसे ही बोल रही थी जैसे सतीश, जयवंत और धर्मेश ने पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। कमाल है भावना, अर्चना ने जो इस तरह से रिएक्ट किया है, मैं मानता हूँ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक हद तक तो वो भी सही है, अर्चना के साइन धोखे से लिए हैं। तो क्या करती? हाथ पांव जोड़ते उसके। ठीक है वो कर भी लेते तो क्या साइन कर देती अर्चना? ये बोलिए आप, बिल्कुल नहीं। मानव के प्यार में वो अंधी हो चुकी है। देखा नहीं सतीश से किस तरह से बात कर रही थी वो? और सतीश भले उसे उस बदतमीजी के लिए माफ करते, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी वर्षा, पर अर्चना के इस बर्ताव के लिए मैं उसके साथ कोई रिलेशन रखना नहीं चाहूंगी। ये तो फाइनल है। बस भी करो, अपने आप को कितनी तकलीफ दोगे तुम? इस तरह से टेंशन लेती रहोगी ना तो सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब होगी, हल कुछ नहीं निकलेगा। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, सबकी माफी मांगनी होगी। हाँ, लेकिन उसके लिए अर्चू को भी तो समझाना होगा ना। अर्चू को समझाना अब मेरे बस में नहीं है। मतलब? मैं खुद जाकर माफी मांग लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, आपने अपने बच्चों के खातिर मैं हजार बार लोगों के सामने झुक सकती हूँ, लेकिन बिना किसी गलती के किसी के सामने आपको झुकता हुआ नहीं देख सकती। मैं ही चाहती हूँ माफी मांगने के लिए, और वो भी अभी। बैठ। वैशाली, तुम्हारी मम्मी आई है। मुझे पता है कि अर्चना ने जो कुछ किया वो माफी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। हो सके तो उसे माफ कर दीजिए। हमारी वैशु आपके घर की बहू है, मेरी बस एक ही बेनती है, अर्चना के गलती की जो भी सजा आपको देनी है वो आप मुझे दीजिए, लेकिन इस पर आपका गुस्सा मत उतारिए। सुलोचना ताई, हम सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, किसकी गलती है और किसे सजा मिलनी चाहिए
हम अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है और ना ही वैशाली से और ना ही आपके परिवार के किसी सदस्य से। हमें तो सिर्फ अर्चना के बर्ताव से एतराज है और धर्मेश के माँ बाप होने के नाते ये एतराज गलत नहीं है। हमें अच्छा लगता अगर आज अर्चना यहाँ आई होती और हम सबसे माफी मांगी होती, लेकिन नहीं, वो नहीं आई। इसका मतलब है अब भी वो शर्मिंदा नहीं है अपनी हरकत से। अब भी उसे ऐसा ही लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया है सही किया है ना? नहीं, वो देखिए, इस मामले में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। हमारा क्या फैसला ये हमने सुना दिया। अब तो जब तक अर्चना यहाँ आकर धर्मेश से माफी नहीं मांगती, हमारे दो परिवारों के बीच का ये तनाव कम नहीं हो सकता। कम से कम हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। आप वैशाली से बात कीजिए, हमने उसे बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। बेटा, धर्मेश कैसा है? बहुत परेशान है। तू तो इनका ईगो जानती है ना, उस पर से ताई ने उनको, कल रात से उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। आज सुबह भी जल्दी ऑफिस चले गए। मैंने इतना चाहा ना कि उनसे बात करूं, लेकिन क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी उनसे? तू जानती है अर्चुता मेरे लिए क्या मायने रखती है। लेकिन फिर भी अगर वो सब लोगों के सामने मेरे पति का अपमान करेगी तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ना ही। पर अर्चुता के कारण मेरे और धर्मेश के बीच में दूरियां बढ़ती है ना, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। और एक बात उसे कह देना कि जब तक वो धर्मेश से माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक मैं भी अपने सास ससुर की तरह उस घर का मुंह नहीं देखूंगी। वैशो, चलती हूं बेटा, घर में सबका ख्याल रखना। कहाँ घंटा है? बस आइए ना, बैठिए। हाँ, ये सतीश कहाँ? वो तो सुबह ही कहीं चला गया, कह रहा था जरूरी काम है, लेकिन कल रात की बात को लेकर वो जी। कल अर्चु की वजह से जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती। आई प्लीज। नहीं ताई, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने कोई गलती नहीं की है और आपके लिए ना हमारे मन में कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन ताई, एक बात जरूर कहूंगी आपसे, अर्चना ने कल जो भी किया ना, बहुत गलत किया। और जब तक अब अर्चना इस घर में आके सतीश से माफी नहीं मांगेगी, तब तक हम दोनों परिवारों के बीच बिगड़े हुए संबंध सही नहीं हो पाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि ताई को सतीश से माफी मांगनी चाहिए। भावना, वर्षा, इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन बाबा, हम लोग बैठ के बात करेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। चलती हूँ।